हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। यदि आप जॉब का वेट कर रहे हैं काफ़ी समय से और आपकी आपके सब्जेक्ट में कमांड बहुत अच्छी है, तो यहाँ पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली गई है। जहाँ हम बात करने वाले हैं ग्रुप ऑफ स्कूल की, जहाँ 36 स्कूल जो है जिनमें ये वैकेंसी आउट हुई है। इसके अलावा एनटीटी जिन्होंने किया है वहाँ इनकी भी वैकेंसी है, नर्सरी हेड और मदर टीचर की। अन्य वैकेंसियाँ भी हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं हॉस्टल वार्डन की भी वैकेंसी है यहाँ पर। इसके अलावा पीटीआई की, लाइब्रेरियन की, अकाउंटेंट की, म्यूजिक, डांस, आर्ट, क्राफ्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर की, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर की, कम्युनिकेशन टीचर की यहाँ पर, और एडमिशन काउंसलर की भी वैकेंसी है। सैलरी काफ़ी अच्छी है और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है। यदि आप एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है सारा मैं इसी वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी। पीजीटी की सैलरी अगर आप बात करें तो 1 से 2 लाख पर मंथ यहाँ मिलेंगे, और टीजीटी में सैलरी काफ़ी अच्छी है, 50 हज़ार से 1 लाख है। और सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। पीआरटी सैलरी जो है वो 20 हज़ार से 30 हज़ार मिलेगी, और एनटीटी यदि आपने किया है तो 20 हज़ार तक जो है वो आपको सैलरी मिलेगी। बाकी जो मैंने आपको अदर वैकेंसी बताई है तो उनमें 20 हज़ार से कम जो है वो सैलरी आपको मिल रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं कहाँ की है ये वैकेंसी, ये 36 स्कूल जो है वो कहाँ हैं। तो ये आप देख सकते हो, हम साइट पर आ गए हैं, यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इनके जो है 36 स्कूल जो है वो अलग अलग जगह चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो हरियाणा में, उसके बाद राजस्थान में चल रहे हैं, कई स्कूल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और साथ में दिल्ली में भी चल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी राजस्थान के लिए इंटरेस्टेड हैं तो राजस्थान में जहाँ ये स्कूल हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हो, हरियाणा वाले हरियाणा में कर सकते हो और दिल्ली वाले दिल्ली में। सारी बात हम यहाँ पर समझेंगे। यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है ये 25 सालों का जो है इनको एक्सपीरियंस है, यानी 25 सालों से भी अधिक जो है यहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं। 29,993 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हैं, और 4,999 जो वो बेस्ट फैकल्टी जो है इनके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। अप्लाई नाउ बाद में करेंगे, पहले चीज़ों को जो है वो आप समझिए, क्या आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाद में जब क्वेश्चन आपके जो आते हैं अलग अलग तरीके के, तो एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। अवर इंस्टीट्यूशन, तो ये इनके इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, सभी हैं यहाँ पर। तो जैसे नारनौल में जो है इनका कॉलेज है या स्कूल कह सकते हैं, सोहाली में है, महेंद्रगढ़ में है, रेवाड़ी में है, ठीक है। इसके बाद जो है एक और जो स्कूल है नारनौल में है, ठीक है, और आप देख सकते हो सोहाली में एक और है, और नारनौल में जो है तीसरा स्कूल है, महेंद्रगढ़, सोहाली, सतनाली, जिंद, जितने भी गुरुग्राम में, कौशली और सोहाली, ठीक है। ये देखिए आप, आरबीएस डिग्री कॉलेज है, गुरुग्राम में है और हांसी में है। ये जितने भी स्कूल हैं तो ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर इनके जो स्कूल चल रहे हैं वो हरियाणा में चल रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। डिटेल जो है वो जानने के लिए, वैसे तो मैं आपको वीडियो में बता ही रही हूँ, फिर भी आप बहुत जो है वो अच्छे तरीके से डीप में जाकर अगर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें और भी क्लियर होंगी, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करें आप, उसके बाद ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं करियर सेक्शन, इस पे आपको जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद ये पूरा फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा, इसको आपको फिल करना है, ठीक है। अब पोस्ट अप्लाइड फॉर, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो सिलेक्ट करके प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, कोचिंग एक्सपर्ट, पीजीटी, टीजीटी, एनटीटी, नॉन टीचिंग, एसोसिएट प्रोफेसर या पीआरटी, किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। जैसे पीआरटी के लिए करना चाहते हो तो पीआरटी पर क्लिक करें। ऐसे ही एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ये आपको फिल करना है। कैंपस आपको भर लेना है, जो मैंने आपको स्कूल दिखा दिए हैं, 36 स्कूल जो हैं इसके चल रहे हैं, तो आप उनमें से किस में जाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद जो है वो आपको यहाँ आपका जो है वो नाम, क्या नाम है आपका, क्वालिफिकेशन, जेंडर, मोबाइल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और एड्रेस। ईमेल आईडी वही भरें जिस पर आपको सूचित किया जा सके। यहाँ पर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई एग्जाम नहीं है।
सेकेंड, उसके बाद ऐड एजुकेशनल डिटेल, सारी जो एजुकेशनल डिटेल है आपकी, 10th 12th ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, या कोई डिग्री डिप्लोमा किया है तो वो आप भर दें। पीजीटी के लिए भरेंगे तो आप पीजीटी ग्रेजुएशन यहाँ तक जो है वो फिल करेंगे। पीआरटी के लिए भर रहे हैं तो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, और उसके बाद जो है आप जो डिग्री आपने की है वो आप यहाँ पर भरेंगे। बोर्ड किस बोर्ड से किया है, स्कूल कौन सा है, ठीक है, परसेंटेज क्या है, ये भर लेंगे आप। उसके बाद ऐड एक्सपीरियंस डिटेल, यदि आपको है तो ठीक, नहीं है तो नो पर क्लिक करें। सैलरी जो है वो डिटेल, यहाँ पर प्रेजेंट सैलरी जो है अगर कोई मिल रही है तो ठीक, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। एक्सपेक्टेड सैलरी, आप जो है वो क्या मतलब और भी अधिक सैलरी अगर डिमांड करते हैं यहाँ तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए पॉइंट है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस पोस्ट, इस पोस्ट के बारे में आपको कहाँ से पता चला, तो उसका रेफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर दे देना है। अपलोड योर रिज्यूम, अपना रिज्यूम जो है अपलोड कर देना है। मैक्सिमम साइज जो है वो 5 MB होना चाहिए। उसके बाद जो है वो अपनी फाइलें जो है वो सिलेक्ट चूज करके जो है यहाँ पर डालनी है, अपनी 10th की 12th की जो मार्कशीटें हैं वो आपको डालनी है, और उसके बाद करना है आपको रजिस्टर। तो ये आपका जो है वो फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है अगर आप पीआरटी के लिए या टीजीटी के लिए, आप प्रिंसिपल के लिए या पीजीटी के लिए आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है पूरा भरें। इस एरिया और स्पेशलाइजेशन, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन किस जो है सब्जेक्ट के लिए जो है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ जो है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए ऐसे स्टूडेंट जो कि यहाँ पर काम कर चुके हैं यदवंशी ग्रुप ऑफ स्कूल में, तो प्लीज़ अपना जो कांटेक्ट नंबर है कमेंट में जो है वो डालें, ताकि जो बच्चे हैं फॉर्म फिल करने के बाद कैसे जो है यहाँ पर वर्क होता है तो सारी चीज़ें जो है उनको पता चल सकें। तो प्लीज़ अपना जो है वो फ़ोन नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कमेंट में ज़रूर डालें। तो यहाँ पर जो है वो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल करिए आप, यहाँ पर सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। सबसे पहली बात बच्चों का ये पूछना होता है गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट है, तो बिल्कुल प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट नहीं है। दूसरी, उम्र अगर पूछ रहे हैं तो उम्र जो है यहाँ पर मैंशन नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट पर जो है वो कमांड होनी चाहिए, यही चीज़ जो है यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। जॉब जो लोकेशन क्या रहेगी, तो जिस स्कूल में आप अप्लाई करेंगे वहीं पर जो है वो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। मैंने आपको बता दिया है स्टेट हरियाणा में, राजस्थान में और दिल्ली में, यहाँ पर जो है इनके ग्रुप ऑफ स्कूल जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। 36 स्कूल हैं ये, जिनमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई करिए। थैंक यू।